प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और आप सेट्स का कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन, ये जो कार्टेशियन नाम पड़ा है, ये बहुत ही मशहूर फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डेकार्ट्स। रेने डेकार्ट्स के नाम पे ही ये कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट आया, और इसी से आपने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री, आपने ये इसको 2D बोलते हो, वो इसी पर बेस्ड है। तो कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है? तो इसके लिए दो सेट्स होंगे, ए और बी, दो सेट्स होंगे ए और बी, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की तरकीब है कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की फोकस करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आ जाए, और एक्सरसाइज 2.1 से जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी समझ में आए। तो आप साथ बने रहेंगे और हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो आपका एक क्विक रिवीजन होगा और आपका एक सॉलिड कंसेप्ट बनेगा। तो ए क्रॉस बी क्या चीज़ है? ए क्रॉस बी इज अ सेट, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स इस तरह के होंगे, विच कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इस कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है, और आगे जाके जो चैप्टर है रिलेशन, रिलेशन के ऊपर जो डेवलपमेंट है फंक्शन का, उसमें ये समझने में हमें मदद करेगा। तो ए क्रॉस बी इज अ सेट विच कंटेन्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। समझे इसको कि कैसे होगा? तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लें, ए एक सेट ले लें, ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। बी एक दूसरा सेट ले लें हम, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 4, और हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट किसका होगा? आप देखिए, पहला एलिमेंट किसका होगा? ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो पहला एलिमेंट ए का हो तो पहला एलिमेंट इसका 1 हो सकता है, बी का कौन हो सकता है? बी का 2 हो सकता है। पहला एलिमेंट इसका 1 हो सकता है, यार इसका 4 भी हो सकता है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। फिर इस तरीके से क्या होगा, इसका 2 हो सकता है, इसका भी 2 हो सकता है, इसका 2 और इसका क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, बिल्कुल सही सोचा आपने। इसका 3, 2 हो सकता है, और इसका 3, 4 हो सकता है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो ये इसके एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 3, 4। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए। देखिए आप कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 3 एलिमेंट है, हर एलिमेंट का इसके साथ कॉम्बिनेशन है, दोनों के साथ, इसका इसके दोनों के साथ, इसका इसके दोनों के साथ, इसका इसके दोनों के साथ, ऐसा तीनों का दोनों के साथ है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे ए में जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं ए में? 3 एलिमेंट्स हैं, इनटू बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। इस केस में आपने देखे कि कितने एलिमेंट्स हैं, इस केस में देखें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 3 × 2, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर हमें बी क्रॉस ए बनाने को कहा जाता तो बी क्रॉस ए क्या हो जाता? आप ध्यान से देखिए, 1, 2 है तो 1, 2, अब बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट इसका होगा, बाद का इसका होगा, तो ये हो जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। फिर कौन सा होगा? 4, 1, 4, 2, 4, 3। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 6 ही एलिमेंट्स हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, ये दोनों के अंदर जो नंबर है, फिर ध्यान दें,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, दोनों सेम होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर मतलब टोटल नंबर कि कितने होंगे। पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में समझते हैं, आर दे इक्वल, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में समझते हैं कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 पे फोकस करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले आप इसके बेसिक्स समझ लें। तो एक आपने जैसे पॉइंट देखो 1.2 देखा होगा कि 1.2 मार्क करना है मुझे, ये 1.2 है, देखिए 1.2 है, ये 1.2 कहाँ आएगा, तो ये डिस्टेंस 1 हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2, ये डिस्टेंस 2, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आता है 1.2। अब 2.1 क्या है, 2.1 कहाँ आएगा, तो देखिए ये 1 है तो यहाँ पे 2 होगा और 1 यहाँ पर होगा, तो ये 1 है ये 2 है, तो ये वाला पॉइंट होगा 2.1। आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, 1.2 इज नॉट इक्वल टू 2.1, दैट इज इसका मतलब है कि एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स बराबर नहीं होते, देयर फोर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। पर बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए होता है, ये आप ध्यान रखना। तो इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल सेट्स नहीं है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज सेम एज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। अब ध्यान से सुनो, ए में अगर आपके पास ऐसा लिखा होता था 1.2 लिखा हो और दूसरा कोई सेट है, मान लीजिए कि एक P सेट है, P में लिखा है 2.1.1, तो ये A और P क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर आपका A क्रॉस B कोई सेट है जिसमें लिखा है 1.2 और B क्रॉस A क्या होगा जिसमें 2.1 लिखा है, या कोई और दूसरा सेट, इसको मान लें कि ये ए क्रॉस पी की जगह इसको पी क्रॉस क्यू मान लें कि ये पी क्रॉस क्यू कोई सेट है जिसमें 1.2 लिखा है, और कोई दूसरा सेट है जिसमें क्यू क्रॉस पी में क्या लिखा हुआ है आपको 2.1। आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि ये 1.2 इसमें नहीं है, तो किस में नहीं है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। एक्स कॉमा वाई को क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ordered pair, इसको ordered pair बोलते हैं, इसको एप्सिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको एप्सिसा और ऑर्डिनेट और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट है, तो ये x का है और ये y का है, तो ये आपको समझ में आया कि ये एफसीसा और ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब अगर दो नंबर्स आपके इक्वल हैं, मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो कब इक्वल होंगे, तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे, तो एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई और ये दूसरा है ए कॉमा बी, तो ये कब इक्वल होंगे, जब और जब, इफ एंड ओनली इफ, ये निशान है इफ एंड ओनली इफ का, इफ एंड ओनली इफ, जब और जब एक्स इक्वल टू ए होगा और वाई इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू बी होगा, तब और तब क्या होगा, x y ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b के इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान से और देखें आप, तो आपके पास एक क्वेश्चन भी है
जो आपकी एक्सरसाइज हमने कहा था, जैसे पहले आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सरसाइज 2.1 पे फोकस करेंगे। इसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि फॉर व्हाट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है इफ एक्स बाय 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 ऐसा दिया है, देन x कॉमा y इज इक्वल टू व्हाट, देन फाइंड x कॉमा y। तो आप समय ज्यादा ना बिगाड़ते हुए सॉल्यूशन पे आए और सॉल्यूशन से आप देख लें कि क्या होना चाहिए। x बाय 3 प्लस 1 5/3 के इक्वल होना चाहिए और y माइनस 2/3 किसके इक्वल होना चाहिए, आपका x ये 1/3 के इक्वल। तो x बाय 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1 और इसको कैलकुलेट कर लें आप, ये हो जाएगा 2/3। तो x 3 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू आएगा आपके पास 2। इधर देख लें आप, y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3, y इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर दें तो 2/3 प्लस 1/3 आप ऐड कर लेंगे, बहुत आसान है, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये था इक्वालिटी का सिस्टम। अब दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका बुक का आपके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, बिल्कुल आसान काम है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए में 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है और बी में एलिमेंट्स है 3, 4, 5। और आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे। तो ए क्रॉस बी में 3 × 3, क्योंकि बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 3 × 3, 9 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जी इज 7, 8, एच इज 5, 4, 2, जी क्रॉस एच पूछा है आपसे, जी क्रॉस एच, एच क्रॉस जी, तो जी क्रॉस एच क्या होगा आपका, बिल्कुल सिंपल है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5, 8, 4, 8, 2, एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी में पहला एच का बाद में जी का, 5, 7, 5, 8, 4, 7, पहला किसका होगा, इसका बाद वाला इसका, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8, ये आ गया आपके पास एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप साथ साथ बने रहेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए जहां तक ये सुविधा मिल नहीं पाती है इतनी पढ़ने की, वो बच्चे जो बेचारे परेशान होते हैं टीचर्स के अभाव में, कभी कंटेंट के अभाव में, कभी बुक्स के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो P दिया हुआ है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, P इज इक्वल टू दिया है आपको m कॉमा n, सॉरी P m कॉमा n इस तरह से है, m कॉमा n, Q आपका दिया हुआ है n कॉमा m, n कॉमा m,
और पी क्रॉस क्यू पूछा है, तो व्हाट इज पी क्रॉस क्यू, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो पी क्रॉस क्यू है आपका, उन्होंने कहा है कि इज क्वेश्चन है, इफ देन इज पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एम कॉमा एन कॉमा एन कॉमा एम, इज इट ट्रू, तो क्वेश्चन मार्क है, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका फॉल्स, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि पी क्रॉस क्यू में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पी क्रॉस में आएगा एम कॉमा एन, एम कॉमा एम पहला इसका बात का उसका, एन कॉमा एन और एन कॉमा एम, ये भी आएंगे पर इसके अलावा भी आएंगे तब होगा वो पी क्रॉस क्यू, ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं पी क्रॉस क्यू को, पर ये पी क्रॉस क्यू को बनाते नहीं हैं, पी क्रॉस क्यू को ये चारों बनाते हैं, ये कह रहा है कि पी क्रॉस क्यू को केवल ये दो बनाते नहीं, इट्स नॉट ट्रू, तो ये वाला आंसर था आपका जो गलत था। अब इसका फोर्थ का सेकेंड है, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज एन इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ये बोल रहा है बिल्कुल सही सवाल है, फोर्थ का सेकेंड है कि ए क्रॉस ए बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, फोर्थ का जो सेकेंड है ये कहता है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए इज नॉट फाइव बी इज नॉट फाइव, ए भी फाइव नहीं है बी भी फाइव नहीं है, तो डज इट इम्प्लाई कि ए क्रॉस बी इज नॉट फाइव, क्या ये कहता है, डज इट इम्प्लाई, तो यस इट इज ट्रू, अगर ए फाइव नहीं है बी फाइव नहीं है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ वो नोट भी करिए आप, कि ए क्रॉस फाइव, अगर आप ए का फाइव से क्रॉस करेंगे, फाइव का ए से करेंगे, तो जो आउटकम है आपका वो फाइव होगा, ये आप नोट करिए, नोट दिस पॉइंट, फाइव इज व्हाट, फाइव यू नो फाइव इज अ नल सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट इसको ही बोलते हैं, तो ए क्रॉस फाइव इज इक्वल टू फाइव क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है फाइव, ये नोट करिए। तो फोर्थ का जो सेकंड था वो क्या है उसका आंसर, उसका आंसर है ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन के बाद निश्चित रूप से फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा फोर्थ में थर्ड भी है, तो फोर्थ का थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इफ ए इज इक्वल टू वन टू बी इज इक्वल टू थ्री फोर, ए इज इक्वल टू वन टू बी इज इक्वल टू थ्री फोर, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ये आपका आंसर सही है क्या, तो ये आंसर होगा ट्रू। क्यों ट्रू होगा इसका आंसर, आंसर इसका ट्रू क्यों होगा, आंसर इसका ट्रू इसलिए होगा क्योंकि b और 5 में क्या कॉमन होता है, 5 कॉमन होता है, और a क्रॉस 5 क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया a क्रॉस 5 क्या होता है 5, तो इट इज ट्रू। ये था फोर्थ का थर्ड। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, a की वैल्यू दी हुई है आपको माइनस वन कॉमा वन, ए इज गिवन माइनस वन वन, और फाइंड क्या करना है आपको, ए क्रॉस ए नहीं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ये फाइंड करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, तो व्हाट इज ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए होगा आपका ए का ए से क्रॉस करना है, तो इसका मतलब है ऐसा करना है आपको, माइनस वन कॉमा वन का क्रॉस
माइनस वन कॉमा वन से करना है। तो पहला एलिमेंट इसका होगा, बाद का उसका, तो हो जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा वन, वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा वन। ये कौन आ गया आपका, ये आ गया ए क्रॉस ए। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, ए क्रॉस ए में ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन वन, वन माइनस वन, वन वन। इसका क्रॉस, इसका क्रॉस किससे निकालेंगे आप, माइनस वन कॉमा वन से निकालेंगे। तो एट एलिमेंट्स आएंगे, आप समझ गए होंगे, और वो कौन से एट एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें एक और बात का ध्यान रखिए, अगर आप इसका इससे भी क्रॉस कर सकते हैं और इसको पहले लिख के इसका इससे क्रॉस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर में वही एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। तो आंसर आपका ए क्रॉस ए का होगा, क्या होगा, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। इसमें ट्रिपलेट्स आएंगे, उसमें जो ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट्स आ रहे थे, इसमें तीन आएंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन वन, आगे के एलिमेंट्स माइनस वन वन माइनस वन, माइनस वन वन वन, वन माइनस वन माइनस वन, वन माइनस वन वन, फिर वन वन माइनस वन, वन वन वन। ये गिनती कर दें आप, ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। तो ये आपका ए क्रॉस ए था। अब आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तो ये मैं रब कर सकता हूं, आप पॉज करके आगे पीछे करके देख भी सकते हैं, जो आपको नोट करना हो वो नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया हुआ है आपको ए क्रॉस बी, बिल्कुल आसान सवाल है। ए क्रॉस बी इज दिस ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, और बोला कि फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी आपको ए और बी फाइंड करना है। तो आप देख लें, ये जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करता है, ये वाला जो पहला वाला है ये ए को बिलोंग करता है, आपको मालूम है ये पहला वाला किसको बिलोंग करता है, ए को, और जो बाद वाला है वो किसको बिलोंग करता है, बी को। तो ए में कौन कौन होंगे, ए में होगा ए कॉमा बी कॉमा बी, पर आपको मालूम है सेट्स में एलिमेंट अगर रिपीट होंगे तो दे विल बी काउंटेड वंस, उनको एक ही बार लिखना है। तो ये सेट है और सेट के एलिमेंट्स है, एक जैसे जो है वो एक बार ही गिनेंगे। इसी तरीके से बी में कौन कौन से आएंगे, एक्स वाई कॉमा एक्स वाई, ये भी उसी तरीके से एक ही बार गिने जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर था ये सिक्स। सिक्स के बाद सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल आसान सवाल थे, आपने देखे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बच्चों के लॉजिक बनाती है, और एक बार आपको मालूम है कि लॉजिक अच्छे तो सब कुछ अच्छा। क्वेश्चन नंबर सेवन देख रहे हैं हम, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन है,
लेट ए बी इक्वल टू, ए की वैल्यू दी है 1,2, बी की वैल्यू दी हुई है 1,2,3,4, सी का वैल्यू है 5,6, ये गिवन है। और पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है पहला कि प्रूव दैट या वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है या नहीं। और दूसरी बात वेरीफाई करनी है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ये दो चीजें वेरीफाई करनी है। तो दोनों चीजें वेरीफाई करते देखिए, पहली चीज पहले के लिए क्या करें, हम दो चीजें ध्यान से सुनिए, आप लेफ्ट साइड निकालना है और राइट साइड निकालना है। अब लेफ्ट साइड में क्या निकालना है आपको, पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो आप किस पे फोकस करते हैं, लेफ्ट पे पहले फोकस करते हैं। मान लीजिए आप लेफ्ट पे पहले फोकस कर रहे हैं, तो आप एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या दे देते हैं आप, बी इंटरसेक्शन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बी और सी में क्या कॉमन है आप देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 1,2,3,4 है और इसमें 5,6 है, ये देख लेते हैं एक बार और क्लियर कर लेते हैं, एकदम सही है। और डी भी दिया हुआ है, डी में 5,6,7,8 दिए हैं, फायदा मिल गया 5 देखने का, एक बार क्वेश्चन वापस से देख लिया, बी डी की वैल्यू है 5,6,7,8। अब आप देखिए, आपको जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी दोस्तों कितना है आपके पास, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा आपका, ए क्रॉस फाई होगा। और आपको ए क्रॉस फाई का वैल्यू मालूम है, ए क्रॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ए क्रॉस फाई की वैल्यू फाई होती है। तो ये आपको इसका वैल्यू आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, इसको दे देते हैं नंबर वन। अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए हमें निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू, तो पहला एलिमेंट ए का होगा, बाद वाला बी का होगा, तो काफी एलिमेंट्स आएंगे, लिख देते हैं 1,1,1,3,1,4,2,1,2,2,2,3,2,4, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब देखिए, अब क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस सी, इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसका प्रूफ भी है, अगर आप प्रूफ जानना चाहते हैं तो मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा। ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी में एलिमेंट्स आएंगे 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, ये आ गया ए क्रॉस सी। अब आप निकालना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, देखो 1,1 देखो किसी में है क्या, 1,1 इसमें नहीं है, 1,2 देखो इसमें है क्या, कहीं नहीं है, 1,3 देखो इसमें नहीं है, 1,4 देखो इसमें कहीं है क्या, 1,4 नहीं, 2,1 है, पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली 2,2 है नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4 नहीं है, तो ये इसका वैल्यू कितना आया 5, ये 5 आया। इसको नंबर क्या दे दें आप, 2 दे दें और लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि दोनों इक्वल है, फ्रॉम 1 एंड 2, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, और भी एग्जाम्पल लेकर के आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं,
और इसका जनरल प्रूफ है, आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर, पहला वाला भाग हो गया है। दूसरे में हमको देखना है ए क्रॉस सी सबसेट है क्या बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी हमने निकाल रखा है, ए क्रॉस सी हमने निकाल रखा है, अब हमें निकालना है बी क्रॉस डी। तो अब सेकेंड पार्ट के लिए हम चालू करते हैं काम। ये पहला पार्ट था, अब सेकेंड पार्ट के लिए, तो ए क्रॉस सी सेकेंड पार्ट में यूज होगा। तो ए क्रॉस सी डायरेक्ट आप उठा लो, वहाँ से उठा लिया आपने 1516 2526, ये आपका ए क्रॉस सी हो गया। और बी क्रॉस डी निकालना है आपको, तो बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? तो बी के एलिमेंट्स हैं दोस्तों आपके पास 1 2 3 4, काफी आएंगे इसमें। बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और डी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 5 6 7 8। तो आपको 16 एलिमेंट्स निकालने होंगे दोस्तों। अब मैं निकाल देता हूं 1 5 1 6। वैसे आंसर तो हम जल्दी से बता सकते हैं, पर आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। ये 16 एलिमेंट्स निकाल लिए। टू फाइव टू सिक्स टू सेवन टू एट, आगे एलिमेंट्स आएंगे आपके पास, मैं ऊपर लिख देता हूँ ये। चलिए अभी यहाँ जगह है, यहाँ लिख देते हैं, या यहीं लिख देता हूँ मैं ऊपर। तो ये एलिमेंट्स होंगे 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 5 3 6 3 7 3 8, कॉमा। अब अगला एलिमेंट है 4 5 4 5 4 6 4 7 4 8, ये कंप्लीट हो गया बी क्रॉस डी। अब आप देखिए ए क्रॉस सी के एलिमेंट 1.5 है क्या सब में? देखिए 1.5 है इसमें, है 1.6 है क्या इसमें? 1.6 है। 2.5 है क्या इसमें? देखिए 2.5 भी है। 2.6 है क्या इसमें? यस 2.6 भी है। तो इसलिए ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, इट इज वेरीफाइड नाउ। तो ये वेरीफाइड है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं हम, और दो ही क्वेश्चन बचे हैं अब आपके, बिल्कुल आसान सा काम बचा है, 8th और 9th। आप इतने साथ बने रहे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू ऑल। 8th में ए दिया है आपको 1 2, बी दिया है 3 4, इसमें पूछ रहा है कि राइट ए क्रॉस बी। बिल्कुल आसान काम है राइट ए क्रॉस बी। हाउ मैनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव, ये भी आसान काम है। हाउ मैनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव, तो सबसेट्स के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, हाउ मैनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव एंड लिस्ट देम। ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखने का काम है, लिस्ट देम, उनको लिस्ट करना है यानी उनको लिखना भी है आपको। तो समझते हैं दोस्तों कि उनको कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तो आप समझ गए होंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं। 1 2 देख लें आप, यहां से चालू कर देते हैं क्योंकि जगह हमें काफी लगेगी।
तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4। एक काम खत्म हुआ, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। इसके सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपको मालूम है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स आपने पावर सेट में पढ़ा होगा वैसे, लेकिन मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट, आप उस वीडियो को जरूर देख ले, ये मेरे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में है, 2 to the power सेट पी लिया हमने, पी सेट का नाम क्या दिया, पी, तो इसकी वैल्यू होगी 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, 2 to the power जितने पी में एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी होगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएंगे 2 to the power 4, 16 एलिमेंट्स आएंगे। अब वो 16 एलिमेंट्स की लिस्टिंग भी करनी है हमें, तो 16 एलिमेंट्स की लिस्ट करने के लिए अब आप थोड़ा तैयार हो जाएं, मैं उनको लिस्ट करता हूं। तो ये उनकी लिस्टिंग है, लिस्ट में, लिस्ट में कौन सा सबसे पहले आएगा, फाई आता है आपको याद होगा, फिर आपका आता है एक एलिमेंट हो जिसमें सारे सबसेट्स बनाना है, तो 1, 3, दूसरा 1, 4 जिसमें एक एलिमेंट है, 2, 3। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, इसके सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करना चाहिए, तो ये सब बिलोंग कर रहे हैं तो ये इसका सबसेट हो गया। अब दो दो के केसेस लिखना है आपको, तो दो दो के केसेस में ध्यान रखना है, देखो कौन कौन से लोग हैं, पहले इसको इसको लो, फिर इसको इसको लो, फिर इसको इसको लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। 1 3 1 4 कोई छोड़ना नहीं है आपको, 1 3 2 3 फिर लेना है आपको, 1 3 2 4 ये इसके साथ लिए। अब 1 4 के लेना है, तो 1 4 का इसके साथ मत लेना क्योंकि ये तो ले चुके अपन, 1 4 का इसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, 1 4 2 3 2 4 तो आ जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 4। अब किसकी बारी आई, 2 3 की, तो 2 3 का इसके साथ तो हो चुका है, अब इसके साथ बचा है तो हो जाएगा 2 3 2 4। ये दो दो के केसेस हो गए, अब 3 3 के केस लेना है, तो 3 3 के केस में आप एक काम करें, एक बार इसको छोड़ दें, एक बार इसको छोड़ दें, एक बार इसको छोड़ दें और एक बार उसको छोड़ दें, तो ये 4 केसेस बनेंगे। तो पहले मैं उसको छोड़ देता हूं 2 4 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 3 1 4 2 3 कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ये एक सेट बन गया सबसेट। अब दूसरा केस में जिसमें हम किसको छोड़ देंगे, आप ध्यान से सुने, 2 3 को छोड़ देंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 2 4 2 3 को छोड़ दिया, अब इस बार 1 4 को छोड़ेंगे, 3 3 के केस ले रहे हैं, 1 3 1 4 2 4 अब आप इसको छोड़ देंगे 1 3 1 4 2 4 ना, 1 4 छोड़ना था हमें, 2 3 लेना था, तो यहां पे 2 3 लिख देता हूं, 2 3 आ गया। अब आप इसको छोड़ दीजिए, 1 3 को छोड़ दें, 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
24। एक बार अब चारों को लेना पड़ेगा क्योंकि ये खुद का भी एक सबसेट होता है, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब आप एक बार गिन लें 16 आए कि नहीं आए, तो ये सारे सबसेट्स बन गए। ये देखें आप गिनती करते हैं इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया आपका 13, ये हो गया आपका 14, ये आपका 15 और आखिरी 16। तो ये लिस्टिंग भी हो गई दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इनको लिस्ट करना है। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है और लॉजिकल के साथ साथ जो इसका प्रेजेंटेशन है वो हमें कुछ नई चीज़ सिखाता है। अभी इसमें चार ही एलिमेंट्स थे, अगर आप इसके अंदर पांच एलिमेंट्स होते तो 2 to the power 5 32 ऐसे सेट्स बनते हैं। तो 32 ऐसे सेट्स बनाने की भी कोशिश करना आप। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9 और होपफुली, क्योंकि इसके बाद वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 10 क्वेश्चन आर ऑल टुगेदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 9th क्वेश्चन ऐसा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 2, ए में 3 है और बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं इफ एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 2 जेड कॉमा 1, जो एलिमेंट्स है ये बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू ए क्रॉस बी को। तो फाइंड करना है हमें ए और बी, देन फाइंड ए एंड बी, ए की वैल्यू निकालनी है और बी की निकालनी है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, देखिए आप अगर ये ए क्रॉस बी में तो ये किसको किसका होगा, ए का होगा, ये भी सर्टेन है। ये किसका होगा, बी ए का एलिमेंट होगा, ये किसका एलिमेंट होगा, ये ए का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ए में कौन कौन होंगे, तो आप लिख सकेंगे क्लियरली ए इज इक्वल टू, छोटा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, 1 मार्क का आ जाए 2 मार्क्स का आ जाए, बहुत ज़्यादा ये मत एक्सपेक्ट करें कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो ये लिख दिया आपने क्लियरली, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन के नाम पे दे दें कि सिंस एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 2 जेड कॉमा 1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, देयर एब्सिसा, एब्सिसा में जो पहले एलिमेंट हैं वो किसके होंगे, ए के होंगे। तो ए के ये तीनों एलिमेंट हैं, ए में इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं क्योंकि ए में 3 ही एलिमेंट हैं। बी में जो बाद वाले एलिमेंट है, जो ऑर्डिनेट है, ये बी के होते हैं, ये बी का होगा, ये बी का होगा और ये बी का होगा। तो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 1 ये बी के होंगे, पर बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और ये रिपीट भी हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 और क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, ये 10th क्वेश्चन है। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है और ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स कौन कौन से है वो देखिए, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स एंड -1, 0 और शायद 0, 1 है, -1, 0 एंड 0, 1 आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ये दोनों एलिमेंट्स इसी के हैं, ये ए हैज दीज टू एलिमेंट्स ऐसा लिखा है, आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए तो उससे माइंड मत करिए, क्वेश्चन वही है, फाइंड आपको करना है ए। तो माइनस 1, 0, 0, 1 किसको बिलोंग करता है? ए क्रॉस ए को। तो माइनस 1 किस में होगा? ए में होगा। 1 भी किस में होगा? सॉरी, 0 किस में होगा? ए में होगा। ये क्या बोल रहा है कि ये जी सॉरी माइनस 1 एक्सट्रीमली सॉरी 0 किस में होगा? ए में होगा। ये 0 किस में होगा? ये ए में होगा। ये 1 किस में होगा? ए में होगा। तो ऑल टुगेदर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ए के अंदर कौन है? माइनस 1, 0, 0, 1 है, क्योंकि दोनों ही तो ए हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1, 0, 1। ये आपका आएगा माइनस 1, 0, 1। ये ए के अंदर तीन एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, ये लिखा है और इसके बाद लिखा है फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। फाइंड ए एंड रिमेनिंग, मतलब रिमेनिंग का मतलब इनको छोड़ के, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ए क्या है आपके पास? माइनस 1, 0, 1। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए होगा माइनस 1, 0, 1 क्रॉस माइनस 1, 0, 1। तो इसमें ए क्रॉस ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आपको डायरेक्ट अब आंसर ही लिखना पड़ेगा कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए कौन। तो ए क्रॉस ए के ये दोनों एलिमेंट्स हटा दीजिए आप, और आप आंसर पे फोकस करिए। आंसर क्या कहता है? रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए इन दोनों को छोड़ के, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। आप आंसर लिखें, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से जो बचे हैं? वो ए क्रॉस ए नहीं होगा, ए क्रॉस ए के जो बचे हुए इन दोनों को छोड़ के। तो इन दोनों को छोड़ के लिखेंगे, एक तो हो गया माइनस 1, -1, दूसरा कौन सा हो सेट हटा दें, -1, -1, -1, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो है इसके अंदर। तो हो जाएगा -1, 1। फिर देखिए अब इसके बाद 0, -1 है क्या उसमें? नहीं है। 0, 0 नहीं है। 0, 1 उसमें है, 0, 1। तो 0, 1 नहीं लिखेंगे, 1, -1, 1, 0, 1, 1। 9 होते हैं, 2 उधर लिखे हुए हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए में 3×3, 3×3, 9 एलिमेंट्स होंगे। 2 एलिमेंट्स आर रिटर्न ओवर देयर, देयरफॉर द रेस्ट मींस रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 7। लेट्स काउंट देम, इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और मेरी बेस्ट विशेस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।